वेलकम सभी का बहुत बहुत मेरे चैनल पीयर एडवाइजर्स पे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा प्रूफ ऑफ फंड्स की। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट से कई बार बहुत रिफ्यूज़ल्स आती हैं। इसमें मैं बात करूँगा कैसा होना चाहिए आपका बैंक लेटर। मैं सैम्पल दिखाऊँगा आपको एक, जो मैंने अपने पीयर प्रोसेस में यूज़ किया था। उसके बाद बात करेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, FDs हैं तो क्या लगा सकते हैं, गिफ्ट डीड है तो क्या लगा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक टिप आपके साथ शेयर करूँगा, वो उन लोगों के लिए होगा जिनका फ़ंड जो है स्लाइटली ज़्यादा है रिक्वायर्ड फ़ंड से। वो क्या कर सकते हैं ताकि वेरिएशन्स होने पे एक्सचेंज रेट के उनका अमाउंट कम ना हो जाए, तो रिफ्यूज़ल के चांस ना बढ़ जाए। लेटर उसकी बात तो दोस्तों ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो मैंने अपने पीआर प्रोसेस में यूज़ किया था। आपका किसी भी बैंक का हो सकता है, बट बेसिक डिटेल्स जो इसमें रहेंगी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो, बोलते हैं कि ऑफिशियल लेटर हेड पे होना चाहिए, बट अगर मैं बात करूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उनका कोई ऑफिशियल लेटर हेड नहीं है, वो सिंपल एक A4 शीट पे प्रिंट कर कर देते हैं, तो ऐसा चल जाता है, क्योंकि मेरे केस में ये एक्सेप्टेड था। तो बात करूँ डिटेल्स की, सबसे पहली डिटेल जो बैंक की सारी डिटेल होनी चाहिए, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका फैक्स नंबर हो गया, उनका सील हो गया, स्टैम्प हो गया, सब कुछ। तो आप देख सकते हो राइट हैंड कॉर्नर पे सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद उन्होंने ये मेंशन किया था मेरा नाम, सन ऑफ, अगर सन ऑफ नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा, रिजाइडिंग एट, मेरा सारा एड्रेस लिखा था। उसके बाद मेरे जैसे सेविंग अकाउंट था और 2 FDs थी, तो मैंने दोनों एक में ही मेंशन करवाया था उनको बोल करके, तो उन्होंने लिख दिया सेविंग अकाउंट एंड मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट्स। नीचे उसकी पूरी डिटेल, अब डिटेल इस प्रकार से लिख सकते हैं, अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है, डेट ऑफ ओपनिंग होना ज़रूरी है, उसके बाद करंट कितना है, और फिक्स डिपॉजिट केस में ओपनिंग लिख सकते हैं और डेट ऑफ मैच्योरिटी लिखेंगे और करंट बैलेंस कितना लिखेंगे। करंट बैलेंस लिखें, आफ्टर मैच्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। मेरे केस में मंथली एवरेज बैलेंस की बात करूं, 2 मंथ का ही मिल पाया, SBI ने मना कर दिया लास्ट 6 मंथ का। उसके बाद बात करूं टोटल एसेट वैल्यू, उसके बाद बात करूं टोटल एसेट वैल्यू, उन्होंने इंक्लूड करके सेविंग और फिक्स्ड का लिख दिया, और साथ में इन करेंसी पूरा डिटेल में लिखकर, और इक्विवेलेंट टू कैनेडियन अमाउंट, तो उस टाइम पे जो रेट था वो मेंशन करके उन्होंने कैनेडियन अमाउंट में भी लिख दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लास्ट लाइन है वो ध्यान देना, जैसे इन्होंने लिख दिया है फंड्स आर मेंटेन्ड एंड फुली फ्री फ्रॉम लायंस डेट्स एंड इनकम्बरेंसेस, तो ये ज़रूरी है, अगर बैंक लिख कर देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में मेरे केस में जैसे FDs थी, तो साथ में टोटल अमाउंट पर उन्होंने लिख दिया नीचे अनकंडीशनली अवेलेबल एट इमीडिएट विदड्रॉल फॉर एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, FD की रसीद पे ये नहीं भी लिखा कि आप कभी भी विदड्रॉ करवा सकते हैं, कभी भी मेजोरिटी से पहले अपना अमाउंट ले सकते हैं, तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो नेट सेल अमाउंट पे उन्होंने लिख दिया है कि आप कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं, तो मेरे केस में ये चल गया। अभी बात करूँ व्हाट आर द अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने चाहिए अपनी फाइल को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो सबसे पहला है, अगर आपके पास FDs हैं सेविंग अकाउंट के साथ साथ, तो FD की रसीद ज़रूर डालनी है। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन निकाल करके स्टैम्प साइन करवा के डाल दीजिए। लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड होनी चाहिए। बैंक कॉपी, जो बैंक की स्टार्टिंग में कॉपी मिलती है अकाउंट ओपन करवाते समय, अगर वो है वो डाल दो, उससे क्लियर हो जाता है डेट ऑफ ओपनिंग। सेकेंड केस में बात करूँ, अगर होल अमाउंट गिफ्ट डीड का है तो क्या क्या चाहिए, उसमें एक तो गिफ्ट डीड एफिडेविट बनाना पड़ेगा, वो आप बना सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी उनकी डिटेल है, आप उस तरह का सेम एफिडेविट बना सकते हो। उसके बाद आपको उसके बावजूद भी बैंक से ऑफिशियल लेटर ऐसा बनवाना पड़ेगा, तो उसमें वो 6 मंथ एवरेज बैलेंस नहीं लिखेंगे, वो चल जाएगा, बट आपको जो गिफ्ट डीड ली हुई है उसकी रसीद कि वो कहाँ से आपको मिला है, अगर तो चेक से किसी ने दिया है तो चेक लगाना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन किसी भी मोड से किया हुआ है तो ऑनलाइन का वो ट्रांजैक्शन की फ़ोटो चाहिए, एंड 6 मंथ की स्टेटमेंट भी आपको लगानी ही पड़ेगी। और जो फाइनल टिप की मैं बात करूँगा, उन लोगों के लिए जिनका जो फ़ंड है वो स्लाइटली ज़्यादा है रिक्वायर्ड अमाउंट से,
और उनके दिमाग में ये है कि अगर एक्सचेंज रेट कल को चेंज हुआ और उनका अमाउंट कम हो गया रिक्वायर्ड फंड से, तो रिफ्यूज़ल आने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत बार देखा गया है कि इस केस में रिफ्यूज़ल्स आते भी हैं और बहुत सारे एडियर्स भी इशू होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे है और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है। जिस टाइम पे आप अपना ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, आप उस टाइम पे बैंक ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, बैंक ऑफ कनाडा .ca की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक्सचेंज रेट्स की एक पेज आएगा। उस पर आप अपनी करेंसी के हिसाब से एक्सचेंज रेट उस टाइम पे, यहाँ पे डेट भी मेंशन होगी, उस डेट पे क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो ये आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स के में साथ ही अपलोड कर देना, ताकि उनको पता हो कि उस टाइम पे आपने आपका फंड्स मोर देन रिक्वायर्ड था। तो इससे वो आपको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, कोई भी रिफ्यूज़ल्स नहीं लगा सकते। तो ये था सारा प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में। इसके बाद मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, और आपको पता है सारी वीडियोस में विद फुल सैंपल होगा जो मैंने अपनी पीयर में यूज़ किया था। तो देखते रहिए पीयर एडवाइजर्स, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल आंसर इट। थैंक यू।